बच्चों आज हम ढ लिखने का अभ्यास करेंगे। ढ ढ से ढक्कन और ढ से ढोलक भी होता है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कैप लगाएंगे, उसके बाद आपने एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन खींची, फिर आपने ट बनाया। जैसे आप ट बनाते हो, ट से टमाटर, ऐसे आपने ट बनाया। जब आप ट बना लोगे तो आप इसमें एक छोटा सा ऐसे करके सर्कल कर दोगे, लाइक दिस। स्टैंडिंग लाइन छोटी सी, फिर ट, यानी ये कर्व बनाया हमने और इसको सर्कल कर दिया। ढ से ढोलक, कैप लगाई, फिर स्टैंडिंग लाइन खींची छोटी सी, देन हमने इसको कर्व बनाया ऐसे, फिर हमने इसमें एक छोटा सा सर्कल लगा दिया। कितना इजी है ना बच्चों, ये ऐसे लाइक दिस। कैप लगाई, फिर स्टैंडिंग लाइन खींची, फिर हमने इसको टर्व बनाया ऐसे करके, फिर हमने इसमें सर्कल लगाया छोटा सा। ये देखो छोटा सा हमने सर्कल लगाया और उसके बाद हमने पूरा ढ से ढक्कन। के चिल्ड्रन, तो आज हमने ढ लिखने का अभ्यास किया। अब आप अपनी हिंदी की नोटबुक में ढ लिखने का अभ्यास करेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।